during French Revolution, due to low wages, the gap between rich and poor widened. बेल बज गई है मैम, छोड़ तो नहीं रही, अभी भी भूले जा रही है. अरे यार जाने दो मैम, इन लोगों की सीट वो कनिका ले लेगी फिर वैन में. Why are you standing? Sit down. मैम अब तो बेल भी बज गई है. मैम अब तो सेक्शन ए के बच्चे भी चले गए, हम लोग रह गए बिल्डिंग में. प्लीज जाने दो मैम, प्लीज मैम. ओके, मेरी तरफ से सिलेबस खत्म है, आप लोग घर जा सकते हैं. ओके कंप्लीट. ओके मैम. भाई मेरी मम्मी ने राजमा चावल बनाए आज. मेरी मम्मी ने तो सिर्फ अचार और पराठा दिया है यार. आज लेट हो गए थे ना हम लोग, और वैन वाले भैया तो मिनट नहीं रुकते, पै पै हॉर्न बजाते रहते हैं. लक्षिता 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 की मम्मी. तो मम्मी ने बस अचार ही रख दिया. तू निकाल ना अपने राजमा चावल. अरे मम्मी गरम गरम बना कर ला रही हैं, रिसेप्शन पर आ गई होंगी लेकर. चल जा लिया भाई, लंच तो आयुषी के होते हैं. कभी कचौड़ी, कड़ी चावल, कभी पाव भाजी, और सबके लिए लेकर आती है दो दो लंच. क्या लाई आज? आज मैं लाई मैक्रोनी. अबे यार मेरी मम्मी ने आप फुद्दू गाड़ दिया, फोन करके बोल रही है मुझे राजमा पके नहीं थे. बेचारी. चल कोई नहीं ना, तुम ऐसा मैक्रोनी खा. मैं नहीं खा रही मैक्रोनी, मैं चली कैंटीन, वहां जाके खाऊंगी पाव भाजी और चाउमिन. यार मैं भी चल रही हूँ कैंटीन तेरे साथ. तू भी लंच नहीं लाई? यार लाई थी ना, लेकिन थर्ड पीरियड मैंने खाकर खत्म कर दिया. आलू के पराठे लाई थी, बहुत टेस्टी थे. गंभीर मैम ना बोर्ड पर ट्रिगो पढ़ा रही थी, मैंने सोचा लंच ही कर लेती हूँ. हाँ मैम का ध्यान उनके दो तीन चाहिए थे, प्रीत दिव्या पर ही होता है. हमें भी पता है हमें ट्यूशन से ही पास होना है. मेरे ना ट्यूशन वाले दिलीप सर लाख गुना अच्छा पढ़ाते हैं मैम से. मेरे लिए ना एक काठी रोल ले. क्यों तू पैसे नहीं लेकर आई है क्या? तू रो क्यों रही है तो इतने सारे पैसे तेरे पास, मैं तुझे बाद में खिला दूंगी. चल एक कोक भी दिला दियो. चल चल इसका नेक्स्ट टाइम. आज तक तो आया नहीं. बाय. क्रॉनी टेस्ट करना ना यार. टेस्ट यार, मम्मी कितना अच्छा खाना बनाती है. असेंबली खत्म होने के बाद पहुंची हूँ, एक बच्चा भी नहीं दिख रहा कॉरिडोर में. एक दिन छुट्टी नहीं करा सकती थी मम्मी, फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हो चुका होगा. ये ले बेटा एग्जाम शीट से. ओ नो, रेखा मैम का पीरियड है. कॉपी ना मांग ले मैम हिंदी की, होमवर्क भी नहीं किया मैंने तो. बेटा यहाँ रख दे, जा बैठ. मैं यार का ओए आ जा जल्दी. मैम हिंदी के पेपर बांट रही हैं आज. दिशा तुम यहाँ कब आई? मैम मैं तो यही थी कब से. हाँ मैम ये तो कब से यही बैठी है. आप बिजी हो ना आज, तो आपका हमको होने वाले बच्चों पर ध्यान नहीं गया होगा. ये बैग लेकर क्यों बैठी हो? मैम मेरी मम्मी ने नया बैग दिलाया है, नीचे रखूंगी तो गंदा हो जाएगा. रख रही हूँ मैम. यार अगर मैम नाम बोलकर पेपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी. बस मैम किसी के नंबर ना बताए प्लीज भगवान. मैं संभालती हूँ. मैम आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ ना पेपर, हम लोग आपस में कर लेंगे. तुम बहुत बोलती हो, आ जाओ तुम्हारा ही पेपर है सबसे ऊपर. कही मैं तो. शकुन क्या देख रही हो मैम, बस पेपर दो और भेज दो चुपचाप. सब बच्चे गरिमा के लिए क्लैप करेंगे. सबसे अच्छे नंबर मेरे ही आए, मतलब सबका ही पेपर गंदा हुआ था. सही है गरिमा ने टॉप किया है नीचे से. बेटा 7 नंबर आए हैं आपके. मैंने इतनी कोशिश की कि 1.5 नंबर से पास कर दूं. बेटा कुछ तो लिख दिया करो, ये देखो कुछ तो लिख दिया करो कि मैं कुछ नंबर दे पाऊँ. बनते आपके 4 भी नहीं थे. ये लो मम्मी पापा से साइन करा के आना, जाओ.
मैं तो खुद ही कर दूंगी मम्मी पापा के साइन, आते हैं मुझे। नैना कपूर 19.5-20 में से। क्लैप करने की क्या जरूरत है? दिशा शर्मा 20 में से 14 नंबर। गुड, बेटर हो सकता है, कंपनी चेंज कर दो, नैना के साथ बैठा करो। गो। थैंक यू मैम। तनीषा चौधरी, बेटा क्या हो गया तुमको, पढ़ाया तो था तुम्हें। क्या बेटे, तू तो बोल रही थी मैंने कुछ नहीं पढ़ा, इतने मार्क्स कैसे आ गए तेरे? वो देख, तेरी न्यू बेस्ट फ्रेंड रो रही है बैठ कर। पेपर कैसे लेके जाऊंगा? अबे क्या है यार इसको, 19.5 ला कर रो रही है, और मुझे देखो 7 नंबर लाके भी खुश होंगी, चलो पास तो हो गई। आधा नंबर देख रही है, कट गया। वही है ना, आप ग्लास आधा भरा हुआ देख रहे हो या खाली? भाई इसका तो पूरा ग्लास भरा ही हुआ है, एक ही तो घूट मारी है किसी ने। अबे उसको देख, चंचल को, मैम से लड़ रही है 2 नंबर बढ़वाने के लिए। मैम यहाँ पर मेरे 2 नंबर बढ़ेंगे, यहाँ तो तेरे कट रहे हैं 3 नंबर। ये ले, और किसी को चेक कराना है तुम्हारा अपना पेपर? 3 नंबर और काट लिए मैंने। चल यार इसको रखो अंदर। ओह भाई सुनो, सब सुनो, कृतिका तुझे तो मैम ने नाक लाल करके सब छोड़ दिया, 3-4 सेक्शन में ले जाकर तेरी बेइज्जती तो हुई है। तो वो मानसी, उसको मैम प्रिंसिपल मैम के ऑफिस लेके जा रही है, सीढ़ियों से घसीट घसीट के लेके गई है मैम उसको, एक तरफ से उषा आंटी ने, एक तरफ से मैम ने पकड़ रखा था उसे। वही बंदी फूट फूट कर रो रही है, नो मैम सॉरी मैम बट मैम। ओ तू भी बच गई, तेरा हैंकी मैम ने सिर्फ डस्टबिन में तो डाला है। यार पता नहीं मैम को हैंकी से क्या प्रॉब्लम है, उनको बच्चों में बच्चे नहीं शैतानी आत्मा दिखती है। चल अब 8 सालों के सेक्शन में चलते हैं, उनका भी फ्री पीरियड है। बाय। लावण्या है ना, आज ये लोग क्लास में बैठकर उसका टैटू खुरच खुरच कर निकाल रहे हैं। क्यों? उसने अपने बॉयफ्रेंड के नेम का टैटू करा रखा है ना, अब उसने तो उसको चीट कर लिया है, तो प्लक्कर से निकलवा रही है बैठकर अब। क्या ड्रामे यार ये 8 सेक्शन वाले, फुल ऑन एंटरटेनमेंट चलता रहता है, कभी चले जाओ सारा टाइम बॉयफ्रेंड की बातें, लॉयल्टी टेस्ट चल रहे हैं। और दिन वो नेहा हाथ काट रही है, बॉयफ्रेंड का नाम लिख रही है ब्लेड से बंदी। वो दीपिका, उसके ना मम्मी पापा को पता भी नहीं है, उसके पास फ़ोन है घर पे, लोकेश के साथ शादी करने को रेडी हो गई है, भागने वाली थी उसके साथ। 10 साल बड़ा है वो तो हमने रोक लिया उसको। जो भी कहो उनके सेक्शन में ना यूनिटी है, पॉलिटिकल साइंस की मैम चेंज करा दी यार इन लोगों ने। हमारी क्लास में तो घंटा कोई यूनिटी कभी हो ही नहीं सकती, नारद मुनि भरे हुए हैं सारे के सारे, नारायण नारायण करते हुए पहुँच जाते हैं मैम के पास। चल छोड़ ना, चल देखने चलते हैं क्या एंटरटेनमेंट चल रहा है अब उनकी क्लास में। ओए पब्ली, सॉरी मैम सॉरी मैम, सीधे पीछे मुड़ के मत देखियो। अरे यार प्रिंसिपल मैम राउंड पे क्लास में घुस। दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग शिवानी, व्हाट हैपेंड टू यू? यू आर सिस्टर ऑफ तनीषा मल्होत्रा, सच अ ब्राइट स्टूडेंट, सिंसियर, always up to date with her copies and assignments. Sit down. This is a very important age for you all. Crucial years of your life. Isme studies par focus karo. Distractions hote hain, I know. Hum bhi aap hi ki age se aaye hain. But this is not the time for it. Time for what? Right now you focus on your career, studies, become something, then you see. See what? I know, छुट्टी के बाद DAV के लड़के क्यों खड़े होते हैं स्कूल के बाहर? मुस्कान? ओए मुस्कान, मैम को भी पता है तेरे ऋषभ वैद्य के बारे में, बड़े चर्चे हैं तेरे। अबे चल ना तू अपना काम कर, और मेरा नाम मुस्कान है, मुस्कान नहीं। तो काम तो करती रहती है ना तू। मैंने उसको बोला है स्कूल के पीछे मिलाकर, पर स्टड इतना बनता है गोबर बुद्धि,
ना शक्ल है ना अकल, पूरी क्लास के सामने बेइज्जती करा दी। बी सेल्फिश फॉर योरसेल्फ इन अ गुड सेंस, मेक अ टाइम टेबल, गिव ईच सब्जेक्ट 2 आवर्स। टाइम टेबल तो बनाया है ना आप सबने? नो मैम, आई ट्राइड पर मुझसे ना बन नहीं रहा है। प्लीज कैन यू टेल अस हाउ टू मेक इट? ओके सी, हो गई। शिवानी थैंक्स यार मैम को बिजी करने के लिए। तेरी डांट के चक्कर में ना फ्री पीरियड मिल गया, मैंने मैथ्स की असाइनमेंट नहीं करी, तेरी असाइनमेंट से कर ली अब। थैंक यू। मैंने तो तुझे असाइनमेंट दी ही नहीं। हाँ मैंने तेरे बैग से निकाल ली थी। पागल है क्या, मेरे बैग से असाइनमेंट निकाल लिए? आज की बात ना हाथ मत लगाती मेरे बैग को। शुक्र मना तेरी असाइनमेंट पे ना तेरा नाम काट के अपना नाम लिख के सबमिट नहीं की। 2 to 3 फूड, 3 to 4 मैथ्स, व्हाट डू यू वांट टू डू? 4 to 5 वैम्पायर डायरीज। मैम इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री ऑन स्पीशीज दैट सक ह्यूमन ब्लड। अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर लो तुम पहले, वो तो तुमसे होता नहीं है। फिर देख लेना डॉक्यूमेंट्री जिसमें स्टीफन और डीमन है। मेरी भी तुम्हारी एज की डॉटर है, आई नो। डिस्ट्रैक्शन, सी दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। फोकस, 4 to 5 डू इंग्लिश इंस्टेड ऑफ वॉचिंग इंग्लिश सीरीज। रुको मनोज भैया, सुबह से चाय नहीं पिलाई है, जल्दी से एक चाय लेके आओ। सो गर्ल्स हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, सो इट इज योर फ्री पीरियड, एंजॉय, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। ओ बंद करो यार, सही है, शादी होने के बाद तो मैम मस्त मूड में रहती है। तू चल मैं आई। मैम आप पर ही आया है, प्लीज मैम आप भी गाओ ना। अरे बच्चा यू गर्ल्स सिंग, मुझे इंक्लूड मत करो। नो मैम प्लीज आप भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करो, प्लीज मैम आप गाओ ना, प्लीज 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 प्लीज। ओके व्हाट इज द अल्फाबेट? ई। एक लड़की थी भागी सी, सोई रातों में जागी सी, इन्हें एक अजनबी से कोई आके ना पीछे, तुम ही कहो कि कोई बात है। अबे आंचल के बाल देखे तुमने, कलर करा के आ गई है। पहली बात तो कलर कराना अलाउड ही नहीं है, और दूसरी बात ही कैसे सा कलर करा के आ गई है, ऐसा लग रहा है सर पे येलो येलो पॉटी है उसके। और यार इतना इतना गैप छोड़ के कौन कराता है कलर, अच्छे से ही करा ली थी, छपरी लग रही है एकदम। गैप छोड़ कर ही कराते हैं, अदरवाइज रूट्स डैमेज हो जाती है। मैम आपने रिबॉन्डिंग कराई है ना, मेरी सिस्टर ने भी अपनी मैरिज में ना रिबॉन्डिंग ही कराई थी आपकी तरह। हाँ बच्चा मनोज भैया चाय ले आओ, आपने सुबह से एक कप भी चाय नहीं पिलाई है। रितिका बेटा कोट तो साफ करो, सिलते के पास पेन एक ही कॉपीज रखे हैं ब्रेक में। चिल्ला चिल्ला कर गला बैठ गया है। रितिका वेयर आर यू टू प्लीज? मैम वो मैंने ट्राई किया था करने की, बट मैंने स्टेप कट कराया ना तो हेयर निकल रहा है, तो इसलिए मैंने हेयर ओपन ही रख लिया अपने। आई नो यू गर्ल्स वेरी वेल, 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, हम भी तुम्हारी एज से निकले। 2 मिनट में ये प्लीट्स बन जानी चाहिए, अदरवाइज आई विल कम एंड मेक इट, सो यू बेटर मेक इट योरसेल्फ। पूजा व्हाई वर यू एब्सेंट फॉर सो मेनी डेज? ईद का चांद है मैम, मैंने डायरी में लिखा था। आई सॉ यू रोट सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीम सीवियर फीवर, ब्रिंग मेडिकल टुमारो। एंड ये मेहंदी क्यों लगाई है? दिस इज स्कूल।
नॉट योर होम। क्या यार मैम, एक पल सीता दूसरे पल गीता बन जाती है। अच्छा खासा मूड था इनका अभी। अच्छी एक्टिंग करना भी शुरुआत ही है। चिढ़ गई ना मत। मेरे कजिन भाई की शादी थी तो मेहंदी भी नहीं लगवा सकता क्या? एक हाथ में ही लगवाई है मैंने सिर्फ। रितिका बहुत एक्टिंग करती हो ना टीचर्स की। ब्रिंग योर पेरेंट्स टुमारो एंड ऑल ऑफ यू गर्ल्स टेक आउट योर बुक्स, वी विल डू रिविजन। स्टार्ट। यस यू स्टैंड अप। किसी के पास तेरी वजह से हुआ है और कर एक्टिंग। तुम लोग क्यों हंस रहे थे इतना? बुक निकाल जल्दी, वो चोटी कर ले। हाय गाइस, वी होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। आप सबने रिलेट किया हो एंड एंजॉय किया हो इस वीडियो को एंड आप लोगों को अपने स्कूल के दिन याद आ गए हो। एंड अगर आ गए हैं याद तो कमेंट में डाल दो सारी यादें एंड बताओ अपना फेवरेट पार्ट। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, एवरीबॉडी एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऐसे प्यार देते रहो। थैंक यू सो मच, वी लव यू गाइस। गर्ल्स हमारा सिलेबस मेरे को कब लेना अपना डायलॉग? तेरे कौन से डायलॉग के बाद लूं? अब बस आप मत गाओ। हाँ नहीं अपना डायलॉग भूल गई। मैम ये तो कब से है? पागल ये डायलॉग नहीं तेरा। आप डायलॉग हिंदी के ऊपर बोलते हैं। क्लास वाला डायलॉग ले ले। पागल है क्या? तेरा डायलॉग है और मैं हूँ कि मेरे साथ। टू थ्री रुक गई एक्शन के बाद। वन टू थ्री मैं हो गया। मैं डायलॉग बोलने वाली थी उसके डायलॉग भी ले गया। पति नहीं आएगी किसी के, चोरी कर ली। अबे यार मेरी मम्मी ने मेरा फुद्दू काट दिया है। अबे यार मेरी मम्मी ने मेरा फुद्दू बना दिया है, मेरे को फोन कर। देख रही थी तूने पूरा डायलॉग। अबे यार क्या देख के दिया मेरी गलती है। सही है। Why are they so bad? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। Bye, ma'am. Bye. Take care. Bye, bye.